चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्या सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के नेटवर्क में क्या होना चाहिए कि जब नेटवर्क में क्या हो, मोर देन वन नोड्स हो, मोर देन ज्यादा नोड्स हो, नोड्स ज्यादा हो मतलब तीन से ज्यादा हो जाए, चार से ज्यादा हो जाए, तीन नोड हो, चार नोड होगा तो मिनिमम इक्वेशन कितना लगेगा, तीन, और मैक्सिमम तीन इक्वेशन लगेगा नोडल एनालिसिस में, तो हमको तीन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और मान लो पांच नोड हो गया, तो पांच नोड हो गया तो हमको चार इक्वेशन बनाना पड़ेगा नोडल में, और चार इक्वेशन बनाना पड़ेगा नोडल में तो हम उसे सॉल्व चार इक्वेशन को जल्दी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही मेस में ले लो, मेस में अगर मेरे पास कितना मेस हो जाए बाबू, तीन से ज्यादा हो जाए, तीन से ज्यादा मेस हो जाएगा तो चार मेस पांच मेस में हम क्या करेंगे बाबू, मेस एनालिसिस लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पांच इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम लोग मैक्सिमम कितना इक्वेशन तक सॉल्व कर सकते हैं, तीन इक्वेशन तक। तो इसीलिए जब नोड चार से ज्यादा हो जाए या मेस तीन से ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्या कोशिश करते हैं लगाने को, सुपर पोजिशन थ्योरम। तो सुपर पोजिशन थ्योरम कहां पे लगाते हैं, जहां पे नोडल एनालिसिस लगाना थोड़ा टफ हो जाए, मेस एनालिसिस लगाना थोड़ा टफ हो जाए, उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, नोडल सुपर पोजिशन थ्योरम लगाते हैं। तो वही बात बोला हूं, मोर नंबर ऑफ नोड या मेसेस, तो रेस्पॉन्सेस कहां से इजिली कैलकुलेट हो सकता है बाबू, किससे, सुपर पोजिशन थ्योरम से। उसी तरह मैंने बोला है कि हमारा साथ में क्या होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। अगर नॉन लीनियर सर्किट होगा तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन हम लोग पढ़ते किसके लिए बाबू, नॉन लीनियर के लिए और बाई डायरेक्शनल के लिए। नॉन लीनियर के लिए हम लोग नहीं पढ़ते, हमारे गेट के सिलेबस में भी नहीं है और आता भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, लीनियर सर्किट के लिए पढ़ते हैं। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा दिया है, उससे काम हो जाता है। तो हमारा लीनियर होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, तभी हमारा होगा। अगर नॉन लीनियर हो जाए नहीं लगा सकते, यूनिडायरेक्शनल हो जाए नहीं लगा सकते, इसीलिए हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम किस में लगता है, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट। ऐसे दूसरा भी देखा जाए, क्या देखा जाए, हमारा थेवेनिन थ्योरम भी कहाँ लगता है, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में। नॉर्टन थ्योरम भी कहाँ लगता है, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी कहाँ देखते हैं, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में। रेसिप्रोकल थ्योरम भी कहाँ देखते हैं, लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में। यानी हम लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में हम लोग देखते हैं सारा चीज, एक केवल थ्योरम छोड़ के, कौन सा, मिलमन थ्योरम भी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम भी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में, कंपनसेशन थ्योरम भी लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट में। तो हमारा एक थ्योरम केवल है जो हमारा नॉन लीनियर में भी हो सकता है यूज, वो कौन सा थ्योरम है, हमारा टेलेगेंस थ्योरम। टेलेगेंस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कहाँ यूज हो सकता है हम लोग को, नॉन लीनियर में भी। अब बात आती है कि सर थ्योरम्स पढ़ते क्यों, थ्योरम्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा नोडल से मेस से हम लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए अलग अलग थ्योरम्स हैं। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत सारे सोर्स हो जाए तो सुपरपोजिशन लगाओ, एक ब्रांच में करंट निकालना हो तो क्या लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग, थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम। एक लोड पे हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना हो तब हम लोग क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट देखना हो तो मिलमैन थ्योरम। अगर मेरे को इनपुट फर्स्ट साइड में और आउटपुट सेकंड साइड में ले रहे हैं, फिर इनपुट सेकंड साइड में और आउटपुट फर्स्ट साइड में ले रहे हैं, तो रेसिप्रोसिटी देखना हो तो किसमें देखते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम में। तो ये सब अलग अलग थ्योरम्स आया ताकि हम नेटवर्क को क्या करें, इजिली एनालिसिस कर सके। ठीक है, तो हमारा लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट होगा, अगर लीनियर बाई डायरेक्शनल सर्किट होगा और उसमें क्या हो, मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो रेस्पॉन्स कैसे निकाला जा सकता है, रेस्पॉन्स निकाला जा सकता है किसी एक ब्रांच में, कैसे, ऐसे सारे ब्रांच में भी निकाला जा सकता है, एक ही ब्रांच को निकालोगे फिर अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। तो किसी एक ब्रांच में अल्जेब्रिक सम ऑफ द रेस्पॉन्सेस, मतलब प्लस और माइनस साइन के साथ ऐड करेंगे, अल्जेब्रिक सम का मतलब प्लस और माइनस साइन दोनों के साथ ऐड करेंगे, कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल सोर्स। सही है, तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर देंगे बाबू, इंटरनल रेजिस्टेंस से। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा आइडियल हुआ वोल्टेज सोर्स तो किससे रिप्लेस हो जाएगा बाबू, शॉर्ट सर्किट से। अगर मेरा आइडियल ना हो के नॉन आइडियल हो जाए वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाए तो किससे रिप्लेस हो जाएगा बाबू, आरएस से। उसी तरह आइडियल करंट सोर्स हो तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, ओपन सर्किट से। अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो तो आरएस से। यानी बोला गया है क्या कि हमारा जो दूसरा सोर्स है, मान लो चार सोर्सेस है,
चार में से एक के कारण रिस्पॉन्स निकालेंगे, तीन के कारण नहीं निकालेंगे, फिर दूसरे कारण निकालेंगे, फिर तीन के कारण नहीं निकालेंगे, फिर तीसरे कारण निकालेंगे, फिर तीन के कारण नहीं निकालेंगे, फिर चौथे कारण निकालेंगे, फिर तीन के कारण नहीं निकालेंगे, यानी चार सोर्सेस है तो चार में से एक के कारण निकालेंगे, रेस्ट तीन के कारण नहीं निकालेंगे। तो क्या करते हैं उस तीन सोर्सेस को, अगर करंट सोर्स हुआ तो ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स हुआ तो शॉर्ट सर्किट, कौन सा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट को नहीं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। अगर आइडियल ना हो करंट सोर्स तो किससे रिप्लेस हो जाएगा बाबू, इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर आइडियल ना हो वोल्टेज सोर्स तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से। यानी हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस से कब रिप्लेस होता है बाबू, जब हमारा आइडियल ना हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट भी बोल सकते हैं, वो भी एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस है। अगर बोला जाए आइडियल हमारे पास करंट सोर्स है, इसका मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, ओपन सर्किट। एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, तो शॉर्ट सर्किट, ऐसे देखा जाता है। अब हमारे पास क्या है, लीनियर होना चाहिए, बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, टाइम वेरियंट या टाइम इनवेरियंट कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं होता। जैसे हम लोग एसी में भी लगा सकते हैं, डीसी में भी लगा सकते हैं, और हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। एक सोर्स के कारण सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स हो तब लगता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे, बनाइए इस सवाल को। मैं भी आपने बना लिया होगा, इसको नोडल से तुरंत बन जाएगा। नोडल से बनाना चाहे तो इसको जीरो मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे, इसको वी माइनस 18 डिवाइडेड बाय 6, वी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, और इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0, आई आ जाएगा, वी आ गया, वी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आई, खत्म हो गया। तो इसको निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, नोडल मान लेंगे, नोडल मानेंगे तो इसको जीरो, इसको वी मान लेंगे, इसको भी वी मान लेंगे, इसको भी वी मान लेंगे, वी माइनस 18 बाई 6, वी माइनस 0 बाई 3, और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जैसे ही वी आ जाएगा, वी माइनस 0 डिवाइड बाई 3 आई हो जाएगा, खत्म सवाल। लेकिन मैं सुपरपोजिशन से बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ सिखाना है इसीलिए करना पड़ेगा। तो सुपरपोजिशन से क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, वोल्टेज सोर्स को। अगर मैं वोल्टेज सोर्स को मान रहा हूं तो मैं करंट सोर्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा, ओपन सर्किट से। करंट सोर्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा, ओपन सर्किट से। तो मैंने करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, यहां से करंट कितना आ जाएगा बाबू, I1। करंट सोर्स को किससे रिप्लेस कर दिया बाबू, ओपन सर्किट से। अब यहां पे I1 है तो इसमें भी I1 होगा, सीरीज में है, इसमें करंट जीरो जाएगा। अब I1 गया तो हम लोग सीधा जानते हैं I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में तो 18 बाई 9, 2 एम्पियर। फिर क्या करेंगे बाबू, दूसरी बार में करंट सोर्स को मानेंगे, करंट सोर्स को मानेंगे तो क्या करेंगे, 6 ओम। और वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे बाबू, शॉर्ट सर्किट से, और क्या जाएगा हमारा 3 ओम, और क्या जाएगा हमारा 6 ओम, 10 ओम, और ये हमारा क्या आ गया, करंट सोर्स कितना एम्पियर का, 9 एम्पियर का, और ये हमारा हो गया ऐसे। उसके बाद से यहां पे कितना आ गया बाबू, 3 ओम, ये हमारा I2 हो जाएगा दूसरे रिस्पांस के कारण। तो इस केस में क्या होगा, यहां से करंट कितना जाएगा, 9 जाएगा, तो इधर से करंट जाएगा और इधर से जाएगा, लेकिन I2 का डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 1 बाई 3
वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री कितना जाएगा, नाइन इंटू सिक्स डिवाइड बाई नाइन माइनस सिक्स एम्पियर। तो I2 आ गया, I1 आ गया, तो हम क्या करते हैं बाबू, I इज इक्वल टू लिखेंगे I1 प्लस I2। अब I1 कितना आया बाबू, टू, I2 कितना आया माइनस सिक्स, कितना आ जाएगा माइनस फोर एम्पियर। हम लोग अल्जेब्रिक सम करते हैं, इसी को अल्जेब्रिक सम बोलते हैं, प्लस माइनस के साथ ऐड करना, तो देखो फोर एम्पियर आ गया, माइनस फोर एम्पियर लिख लो। बनाइए इस सवाल को, मैं भी बना लिया होगा आपने। तो क्या करेंगे, इसमें दो इंडिपेंडेंट सोर्स है तो दो केस से सॉल्व करेंगे, एक बार वोल्टेज सोर्स को मानेंगे एक बार करंट सोर्स को मानेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। तो क्या होगा बाबू, बहुत आप बीटेक में यही पढ़े होंगे, सुपरपोजिशन छोड़ के अलावा कुछ नहीं, थ्योरम से ज्यादा पढ़े होंगे, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी। तो क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना ले लेंगे, प्लस वन वी एक्स वन वन ओम, वोल्टेज सोर्स कितना ले लिया बाबू वन वोल्ट, करंट सोर्स को क्या कर दिया ओपन सर्किट, हमने क्या कर दिया यहाँ पे वन ओम, अगर यहाँ पर वी एक्स वन हो गया तो यहाँ पर भी वोल्टेज क्या आ जाएगा वी एक्स वन बाई टू, और यहाँ से ऐसे आ जाएगा। मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई आई ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, अब क्या करेंगे वोल्टेज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अननोन को अपने नोन में लाते हैं, तो वी एक्स वन को लाएंगे, तो वी एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स आई इंटू वन आई। अब हम क्या करेंगे केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे तो आराम से आ जाएगा, क्या हो जाएगा वन वोल्ट माइनस आई इंटू वन इंटू माइनस आई इंटू वन माइनस वी एक्स, प्लस से माइनस आ रहा है तो माइनस I by 2, Vx1 को I लिख देंगे तो I by 2 is equal to 0, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और यहां से 2 तो 2 by 5 आ जाएगा एम्पियर। तो Vx1 कितना आ जाएगा बाबू 2 by 5 वोल्ट। फिर क्या करेंगे, करंट सोर्स को लेंगे, करंट सोर्स को लेंगे तो यहां से ये प्लस ये माइनस ये वी एक्स टू ये वन ओम, और ये क्या हो जाएगा बाबू हमारा वोल्टेज सोर्स किससे रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स जो कहते हो वन एम्पियर का, और यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग वन ओम, और यहाँ से क्या ले लेंगे वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस कितना हो जाएगा वी एक्स टू वाई टू, और कितना आ जाएगा बाबू वन ओम आ जाएगा, बोलो है ना। अब क्या करेंगे बाबू, अब इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, लेकिन वी एक्स जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारा वी एक्स टू का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं लगा सकते, तब क्या करेंगे बाबू कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे नोडल लगा देते हैं, नोडल लगाएंगे तो ये जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, बोलो है ना। तो जीरो 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 इधर से गया तो क्या हो जाएगा माइनस वी एक्स टू डिक्रीज हो रहा है, माइनस वी एक्स टू एंड माइनस वी एक्स टू, अब आराम से बन जाएगा, तो क्या आएगा माइनस वी एक्स टू माइनस जीरो डिवाइड बाई वन प्लस क्या हो जाएगा बाबू वन एम्पियर एंट्रिंग है तो इजिकल टू वन होगा, माइनस वी एक्स टू प्लस टकराया तो माइनस वी एक्स टू माइनस प्लस टकराया तो माइनस वी एक्स टू बाई टू,
डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू वन। इसको चेक करते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, दो दिन का चार माइनस फाइव वी एक्स टू वाई टू इज इक्वल टू वन, तो वी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव वोल्ट। तो वी एक्स टू वी एक्स वन आ गया, तो क्या करेंगे बाबू, वी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव प्लस टू बाई फाइव, कितना आ जाएगा जीरो वोल्ट। ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वी एक्स जीरो मतलब इसमें करंट जीरो, इसमें करंट जीरो तो ये वन वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पूरा वन वोल्ट, इसमें करंट जीरो जाएगा, वी एक्स जीरो है तो वी एक्स जीरो तो जीरो जीरो, तो यहाँ पे वन वोल्ट जीरो वोल्ट और जीरो वोल्ट, तो यहाँ पे वन वोल्ट जीरो प्लस वन वन वोल्ट, इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा वन वोल्ट, वी एक्स जीरो है तो ये शॉर्ट सर्किट, तो इसके अक्रॉस भी ये सारा करंट इससे जाएगा तो वन वोल्ट। आराम से चेक कर सकते हैं, फिर से बोल देता हूँ, वी एक्स जीरो तो इसमें करंट जीरो, वी एक्स जीरो तो वोल्टेज जीरो, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा हम लोग को वन वोल्ट, अगर वन वोल्ट हो गया तो इसमें करंट जीरो जा रहा है तो इसमें सारा करंट जा रहा होगा, तो यहाँ पे वन वोल्ट और ये तो जीरो हो गया तो वन वोल्ट वन वोल्ट वन वोल्ट, चेक कर सकते फटाफट। देखो वोल्टेज जब हमने लगाया तो वोल्टेज में क्या होगा बाबू, वी वन निकाले या तो प्लस या तो माइनस में आएगा, वी टू आएगा प्लस माइनस में, वी थ्री आएगा प्लस माइनस में, वी फोर आएगा प्लस माइनस, या तो एक वोल्टेज प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, यानी ऐसा बहुत सारा रिस्पांस को जोड़ के हम क्या बना सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो ये पहले निकालेंगे, पहला केस से, दूसरा केस से, तीसरा केस से, चौथा केस से, पहला सोर्स से, दूसरा सोर्स से, तीसरा सोर्स से, चौथा सोर्स से, और इसे इन्फिनाइट सोर्स से हम निकाल सकते हैं। दूसरी बात आती है हमारा करंट की, करंट में क्या होता है बाबू, करंट में भी हम लगा सकते हैं प्लस माइनस आई वन प्लस माइनस आई टू प्लस माइनस आई थ्री, करंट को भी अलग अलग निकाल लें, प्लस या माइनस में आए कोई बात नहीं, उसको ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक सम, लेकिन अगर पावर आए तो पावर में नहीं ऐड कर सकते। पावर में जैसे ऐसे हो प्लस माइनस पी वन प्लस माइनस पी टू प्लस माइनस पी थ्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होता है बाबू, आई स्क्वायर इंटू आर एंड आई स्क्वायर इंटू आर, और दूसरा क्या होता है बाबू पावर, वी स्क्वायर बाई आर, या तो आई स्क्वायर आर होता है या तो वी स्क्वायर आर होता है, और आई स्क्वायर फंक्शन लीनियर नहीं होता है। अगर मान लो आई स्क्वायर किए, आई वन स्क्वायर आई टू स्क्वायर आई थ्री स्क्वायर आई फोर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आई स्क्वायर, आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर आई थ्री का स्क्वायर आई फोर का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू आई स्क्वायर, ये नॉन लीनियर रिलेशन आता है। वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर वी थ्री स्क्वायर वी फोर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर, इसीलिए हमारा आई स्क्वायर फंक्शन आ गया, वी स्क्वायर फंक्शन आ गया, इसीलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो गया, इसीलिए इसमें हम लोग क्या नहीं लगा सकते, हम लोग इसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम किस में लग सकता है, वोल्टेज और करंट में, पावर में सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगाते हैं, ये बात को लिख लीजिएगा। लिख लिया, तो पावर में नहीं लगाते तो कैसे बनाएंगे फिर, सर बता रहा हूं, मान लो कि दो सोर्स है, दो में से एक सोर्स के कारण पावर कंज्यूम कितना हो रहा है बाबू, आई पी वन यानी आई वन स्क्वायर इंटू आर, दूसरे सोर्स के कारण इस रेजिस्टेंस आर में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है बाबू, पी टू तो आई टू स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि एक सोर्स के कारण रेस्पॉन्स क्या आएगा आई वन, एक सोर्स के कारण रेस्पॉन्स क्या आएगा आई टू, उसी रेजिस्टेंस में सेम रेजिस्टेंस में सेम रेजिस्टेंस में यही आएगा, इसका मतलब हमारा पी वन और पी टू आ जाएगा, तो पी वन और पी टू हमको दिया होगा तो आई वन क्या हो जाएगा हम लोग को प्लस माइनस पी वन बाई आर, क्योंकि ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है करंट, आई टू उसी तरह क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट पी टू बाई आर, तो हम तो जानते हैं कि करंट को हम ऐड कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू आई वन प्लस क्या हो जाएगा आई टू, करंट में एडिशन हो सकता है, करंट में सुपरपोजिशन लगा सकते हैं, तो आई वन प्लस आई टू, आई वन को क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस P डिवाइड बाई R प्लस माइनस P2 डिवाइड बाई R, तो क्या हो जाएगा हम लोग को पावर, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट आर का स्क्वायर आर हो जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा,
यानी पावर को कैसे कर सकते हैं ऐड, ऐड करेंगे अलजेब्रिक सम कैसे कर सकते हैं, उसका अंडर रूट लेके, पहले पावर दिया होगा उसका अंडर रूट लेंगे, उसका भी अंडर रूट लेंगे और प्लस माइनस अपने हिसाब से देख लेंगे कि करंट सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, वो देख के हम बता देंगे। प्लस माइनस कैसे लेंगे वो बाद में सोच लेंगे, लेकिन पावर का अंडर रूट होके ऐड होके फिर स्क्वायर किया जाता है। अब कहोगे सर करंट से ऐसा रहा है तो वोल्टेज से में भी सेम आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये चेक करके बताइए। तो वोल्टेज से भी देखते हैं, तो वोल्टेज से देखेंगे तो पी वन इजिकल टू क्या हो गया, वी वन स्क्वायर अपन आर, सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, अलग अलग नहीं, वी टू स्क्वायर अपन आर, रेजिस्टेंस दोनों का क्या है बाबू, सेम, रेजिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम। तो हमारा वी वन इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, वी वन इजिकल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, पी वन आर अंडर रूट, वी टू इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पी टू आर अंडर रूट। तो हमारा वी क्या हो जाएगा, वी वन प्लस वी टू, दोनों का अलजेब्रिक सम। तो हमारा पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस डिवाइड बाई आर, क्या हो जाएगा बाबू, प्लस माइनस पी वन अंडर रूट प्लस माइनस पी टू अंडर रूट का होल स्क्वायर, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा किस में आ गया बाबू, पावर में रिलेशन आ गया, किस में आ गया, पावर में रिलेशन, लिख लेना इसे। यानी पावर में सुपरपोजिशन कैसे लगता है, उसका अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस, तो कितना भी सोर्स हो अंडर रूट करके ऐड करके फिर स्क्वायर किया जाता है पावर में, और तभी ऐड हो सकता है जब ब्रांच क्या हो बाबू, सेम, हर एक जगह वोल्टेज और करंट भी निकाल रहे हैं तो ब्रांच क्या हो, सेम, सेम ब्रांच मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए, तभी हो सकता है, यानी कि एक के कारण दूसरे में, एक के कारण दूसरे में कर दिए तो नहीं होगा। क्वेश्चन बनाते हैं, निकालिए इसे। मैं भी निकाल लिया होगा, पता नहीं। तो क्या होगा बाबू, एक तो तरीका कि नोडल लगाए, सबसे पहले दिमाग में मेरा क्या आता है, नोडल, उसके बाद मैं कुछ सोचता हूं। तो नोडल लगाऊंगा तो मान लो इसको जीरो मानूंगा, इसको जीरो मानूंगा, इसको जीरो मानूंगा, तो इसको 60 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 60 वोल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, तो ये मान लो 12 वोल्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वी वन हो गया, तो वी वन ये हो गया तो ये 12 प्लस वी वन हो जाएगा, वी वन से 12 प्लस वी वन हो जाएगा। अब बताओ, अब वी वन भी हो गया, 12 प्लस वी वन भी हो गया, 60 भी हो गया, 60 भी हो गया, इसमें करंट अननोन, इसमें करंट अननोन, दो करंट अननोन, एक वोल्टेज अननोन, तीन इक्वेशन लगाना पड़ेगा। फिर से सुन लो, जब तुम यहाँ नोडल लगाने जाओगे तो इसमें तो करंट निकाल लोगे, इसमें भी करंट निकाल लोगे, लेकिन इसका करंट अननोन रहेगा। उसी तरह तुम यहाँ नोडल लगाने जाओगे तो इसमें करंट निकाल लोगे, इसमें करंट निकाल लोगे, इसमें नोडल लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक नोडल लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास दोनों वोल्टेज सोर्स में करंट, दो अननोन, एक हमारा ये करंट, वो वोल्टेज अननोन, तो तीन अननोन होगा, तीन अननोन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें नोडल नहीं लगाएंगे। नोडल क्या होता है ना, ज्यादा ब्रांच कॉमन, अगर यही 2 ओम नहीं रहता मैं नोडल लगा देता, लेकिन यही 2 ओम है तो मुझे नोडल लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसीलिए मैं नोडल नहीं लगाऊंगा, नोडल नहीं लगाऊंगा। क्लियर होगा ये कंसेप्ट? तो अब देखते हैं, अब नोडल नहीं लगाएंगे तो कहोगे सर क्या करोगे, कुछ नहीं करूंगा, सुपरपोजिशन लगा दूंगा। जब नोडल नहीं लगा पाऊंगा, मेस नहीं लगा पाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा, सुपरपोजिशन। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 60 वोल्ट, और क्या जाएगा, वन ओम। उसी तरह यहां पे क्या जाएगा, आई वन, टू ओम, कितना आ जाएगा, टू ओम, और ये कितना हो जाएगा, वन ओम,
और ये क्या हो जाएगा सॉट, सॉट हो गया। तो ये 1 ओम क्या हो गया सॉट, तो ये I1 इससे जाएगा, इससे वोल्टेज करंट जीरो, इससे क्या जाएगा बाबू I1 जाएगा, तो क्या होगा इसमें से लगा देंगे इसमें, तो यहां से यहां केवीए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यहां तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो आएगा, कितना जाएगा जीरो, तो 60 माइनस I1 इंटू टू माइनस I1 इंटू टू इज इक्वल टू जीरो, तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/4 हाउ मच 15 एम्पियर, लिख लो, लिख लिया होगा आपने। फिर क्या करूंगा इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दूंगा, इसको शॉर्ट करूंगा तो इसका नाम क्या दूंगा I2। अब क्या होगा करंट ऐसे जाएगा, अब I2 ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस, I2 ऐसे जा रहा था इसमें भी क्या जा रहा होगा I2 जा रहा होगा, इसमें करंट कितना जा रहा होगा जीरो जा रहा होगा, इसमें करंट कितना जा रहा होगा I2 प्लस माइनस। अब KVL लगा देंगे, KVL लगाएंगे तो प्लस से कहां जा रहे हैं माइनस माइनस 12 वोल्ट, प्लस से कहां जा रहे हैं माइनस माइनस I2 इंटू टू, प्लस से कहां जा रहे हैं माइनस माइनस I2 इंटू टू, कितना जाएगा बाबू जीरो, तो I2 इज इक्वल टू कितना जाएगा -12/4 -3 एम्पियर, तो यानी हमारा नेट करंट क्या हो जाएगा बाबू, नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 कितना आया 15, I2 कितना आया -3, कितना हो जाएगा 12 एम्पियर, ठीक है लिख लीजिए, लिख लिया होगा मे भी आपने। फाइंड आई, पहले भी बनवा चुका हूं ये सवाल, फिर से बनवा रहा हूं, इसको सुपर पोजिशन से बनवा रहा हूं। अच्छा सवाल है, 2012 में दिल्ली में पूछा हुआ है, तो दिल्ली इस बार भी पेपर बना रहा है 2020 में, तो फायदेमंद होगा ये। तो ऐसे करने के लिए इसको सवाल को देखते हैं, ऐसे सवाल को कैसे कैसे अप्रोच किया जाता है। ये बहुत लोगों से नहीं बना था, लोगों ने सोचा बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज तभी होता है जब ये हमारा क्या होता ये नेटवर्क ऐसा होता और सोर्स बाहर से लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बीच में कनेक्शन दे दिया है, तो यहाँ पर हमारा 4 नोड नेटवर्क नहीं है, ये 5 नोड नेटवर्क है, 1 2 3 4 5, 5 नोड नेटवर्क ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज 4 नोड नेटवर्क होता है, 5 नोड नहीं होता है, तो 5 प्रिंसिपल नोड है इसलिए ब्रिज नहीं है। तो इसको सुपर पोजिशन से बनाना है, सोचिए बनाइए देखते हैं। मे बी आपने बना लिया होगा, देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैंने तो बताया कि एक ही को ले सकते हैं, नहीं दो दो को भी ले लो, तो मैंने क्या किया दोनों करंट सोर्स को ओपन कर दिया, दोनों वोल्टेज सोर्स को रहने दिया, तो क्या किया मैंने दोनों वोल्टेज सोर्स को रहने दिया, 1 ओम J1 I1 और ये क्या हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स
ठीक है, तो ये दिया है हमारा, अब ये दिया है तो इसको सॉल्व करना है, तो हम देखें कि इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है बाबू, नेट वोल्टेज कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, नेट इफेक्ट कितना आ गया, जीरो। नेट इफेक्ट जीरो आ गया, तो अगर एक्साइटेशन ही जीरो आ गया तो इफेक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, अगर कुछ इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, इसीलिए नेट इफेक्ट जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो आएगा। अब बात आती है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक करंट सोर्स ले लेते हैं, फिर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, हमेशा दो तीन मेथड सीखना चाहिए किसी भी सवाल का, अगर हो सकता है तो, नहीं हो सकता तो एक ही मेथड सीखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा करंट कैसे जाएगा, वोल्टेज कैसे जाएगा, करंट क्या करेंगे, वोल्टेज क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, हम सॉल्व करना सिखा रहे हैं बाबू, हमको बनाने के लिए तो एक मिनट में पहले बना चुका हूं, तो पॉइंट मान लेते हैं, तो नोड ए बी 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 और ये क्या हो जाएगा सी, तब क्या करेंगे ऐसे सवाल को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो एबीसी आ गया ना हम लोग को, एबीसी आ गया तो हम एबीसी को सजा सकते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ए बी ज्यादा कॉमन है तो बी ज्यादा कॉमन है तो इसको बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं, तो देखा जाए ए बी से, ए से बी से ए जा रहा है करंट, देखो बी से करंट ए जा रहा होगा, जा रहा है क्या, वन एट एंगल जीरो डिग्री, और एक जा रहा है बी से सी से बी, वन एट एंगल जीरो डिग्री, फिर उसके बाद से हमारा क्या है वन ओम, ए और बी के बीच में क्या है वन ओम, ए और बी के बीच में क्या है इंडक्टर जे वन, ए से बी के तरफ करंट जा रहा है आई वन आई टू, उसी तरह हमारा बी और सी के बीच में क्या है जे वन, एंड बी और सी के बीच में क्या है वन ओम, तो ये तो पैरेलल दिख रहा है, ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, तो I2 इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे डायरेक्ट, वन एट एंगल जीरो इंटू वन बाई जे वन डिवाइडेड बाई वन बाई वन प्लस वन बाई जे वन, क्या आ जाएगा बाबू हम लोग को, वन एट एंगल जीरो डिवाइडेड बाई इंटू वन डिवाइडेड बाई जे वन प्लस वन, क्या आ जाएगा बाबू वन भाई जे वन प्लस वन, जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, आ गया आंसर, आ गया आंसर, लिख लीजिए इसे, लिख लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, पावर से देखेंगे, पावर स्केलिंग दो चीज देखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, पावर और स्केलिंग देखते हैं।